हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अली है और आप लोग देख रहे हैं आई एम बिलाल। इस सीरीज में हम लोग मुख्तलिफ अनवान पर गुफ्तगू फरमाएंगे। ठीक है, फ्रॉम स्पिरिचुअल, मेंटल, फिलोसॉफिकल, कहते हैं इकोनॉमिकल, सोशल, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, उन सब पे हम लोग एक गुफ्तगू फरमाएंगे। किसी स्पेसिफिक उसमें नहीं है, ऑर्डर में नहीं है। जो कुछ बात जहन में आई, कोई स्टोरी हुई, कोई वाकया हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो इम्पैक्ट कर सकती है, कोई इफेक्ट कर सकती है, तो वो हम वीडियो बनाएंगे और शेयर कर देंगे। ज़्यादा कटिंग वगैरह, शशके वगैरह, फॉर्मेलिटी नहीं डालेंगे। सिंपल वन टू वन कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे। तो दैट बीइंग सेड, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं आप। ठीक है, काफ़ी डिबेट भरी है और काफ़ी मुख्तसर डिबेट है। मुख्तसर मतलब काफ़ी गहरी डिबेट है। तो आज करने की कोशिश करते हैं सर, इसका थोड़ा डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं इसको। आज का हमारा मौजू है मेंटल हेल्थ, मेल डिप्रेशन और अल्लाह। ठीक है, हमें दो एक्सट्रीम्स पाई जाती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के दौरान के इर्द गिर्द एक एक्सट्रीम है कि भाई कुछ मेंटल हेल्थ हेल्थ नहीं होता, कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होता, तो जाओ नमाज पढ़ो, अल्लाह ठीक कर देगा। दूसरी एक्सट्रीम है कि भाई मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा चीज़ है, इसमें अल्लाह को ताल्लुक ही नहीं, नऊज़ु बिल्लाह। ये दो एक्सट्रीम्स पाई जाती है। बिफोर स्टार्टिंग और सेइंग एनीथिंग, मैं दो वाकियात, एक हदीस और एक वाकिया बयान करना चाहता हूँ। वाकिया ये है कि पहले हदीस बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि तुम में से बदतरीन चोर वो है जो अपने सजदों में और अपने रकू में चोरी करे। ठीक है, तेजी करे। ठीक है, दूसरा एक और वाकिया। एक दफ़ा मौला अली को जंग सफीन के दौरान, ये क्या कहते हैं इसको, थाई पे तीर लग गया। अब वो तीर निकालना बहुत पेनफुल था, तो वो इमाम हसन के पास गए लोग कि क्या करें, जहर निकल जाएगा, इन्फेक्शन हो सकती है, क्या किया जाए। इमाम हसन ने कहा, जब अब ये कहते हैं उसके वालिद साहब नमाज पर खड़े होंगे, आप तब निकाल लें, और वो तीर निकाल लें। अब दोनों जो बात है वो हो किस पे रही है, नमाज पे। तो जो बात होती है ना कि भाई जान नमाज पढ़ लो डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, वो नमाज से डिप्रेशन ठीक हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन डिपेंड करता है नमाज पढ़ कौन से रहे हो। इसलिए जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है, ये बंदे टू बंदे पे वेरी करती है। कुछ बंदों के लिए 100% पिन पॉइंट करेक्ट है, कुछ बंदों के लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि वो नमाज के अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हुए, या नमाज को वो मोर देन अ वे टू कम्युनिकेट, एक प्रोटोकॉल और एक फॉर्मेलिटी समझते हैं। पहली बात, अब हम डिप्रेशन को, जारी बात है, डिप्रेशन की बड़ी टाइप्स हैं, मेंटल इलनेस की बहुत टाइप्स हैं, फिर से डिप्रेशन टाइप है, डिप्रेशन की आगे फर्दर बहुत टाइप्स हैं। मैं जेनेटिक डिप्रेशन को एक्सक्लूड कर रहा हूँ इसमें। बाकी जो डिप्रेशन क्या कहते हैं उसको, किसी पास्ट ट्रॉमा से हो गया, लॉस ऑफ समवन, ठीक है, और समथिंग स्पेशल से हो गया, या कहते हैं स्टैटिक लाइफ पैटर्न से हो गया, या इन सब चीज़ों से मेनली जिससे होता है, अबाउट 90-89% डिप्रेशन जिस तरह होता है, हम उसकी को बात करेंगे। तो डिप्रेशन सिंपल वर्ड्स अगर मैं समझाऊंगा, सिंपल वर्ड्स में, एक्सक्लूडिंग द बे क्या कहते हैं उसको, एक्सट्रीम्स एंड जेनेटिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन सिंपल लफ्जों में होता है when subconscious is full of negativity and the conscious is not strong enough to disagree with it simply। ठीक है, अब इसको अब थोड़ा डीप डाइव सोचेंगे इस बारे में, तब समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दैट बीइंग सेड, सेड डिप्रेशन के मेजर जो बाय प्रोडक्ट्स और जो मेजर इफेक्ट्स हैं ना, वो है सेल्फ पिटी, सेल्फ डाउट, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, होपलेसनेस और लॉस्ट द लूप ऑफ कंपेरिजन्स। ठीक है, इन्हीं मेन चार पांच चीज़ों से रोल आउट करो डिप्रेशन पूरा। अब आपके पास जब आपका रिश्ता होता है अल्लाह से मजबूत, ठीक है, अगर रिश्ता होता है अच्छा, तो
मैंने पूरा नमाज का रेफरेंस लिए दिया, एक चीज़ होती है एक किसी रिचुअल पे अमल करना, किसी फॉर्मेलिटी पे, किसी प्रोटोकॉल पे अमल करना, और एक चीज़ होती है उस पर पूरा उतरना। तो उसी सेंस में अगर आपका जनरल रिश्ता अच्छा होता है तो आप ये सारी आयतें सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड सब कॉन्शियसली सारी बातें गुजर रही होती है कि नेवर लूज होप ऑन अल्लाह मर्सी, ठीक है ना, गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज हु आर पेशेंट, अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल मोर देन व्हिच इट नॉट देयर, ये सारी आयतें आप सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हो, तो आप रादर देन उसको एज अ एग्जाइटी, एज अ बैड स्लम्प, एज अ बैड वो देख रहे के, इसको आप एक आजमाइश की तरह देख रहे होते हैं, और आप आजमाइश में अपने आप को साबरीन में से रखने की कोशिश करते हो कि मुझे अल्लाह तआला साबरीन रखे, अल्लाह तआला मुझे सब्र अता फरमाए, और आप साबरीन में से रहने की कोशिश करते हो, एंड यू पॉजिटिवली वर्क टूवर्ड्स मूविंग ऑन, यू पॉजिटिवली वर्क टूवर्ड ओवरकमिंग इट ईदर और मूविंग ऑन एंड हैविंग पीस विद इट, ठीक है। एंड दिस इज़ द मेन कुछ जो फ़ायदे फवायद मैंने अपनी मेंटेलिटी में फ्रॉम अ डिप्रेस्ड माइंड सेट टू अ बिल्कुल ही और माइंड सेट मैंने खुद पाए हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने पूरा एनालाइज किया है डिफरेंट मोर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, मैंने कॉग्निटिव बात भी की है, मैंने स्पिरिचुअल बात भी की है, मैंने हाइपोथेटिकल बात भी की है, मैंने रीजनिंग भी दी है। आई होप ये मज़े लगी हो, अभी तक आप सुन रहे हो। थोड़ा टॉपिक आज का थोड़ा सीरियस था, इस ज़्यादा थोड़ा शुगर नहीं लगा पाए, लेकिन अगले टॉपिक्स में ज़्यादा शुगर भी लगाएंगे, थोड़ा सा बॉल ठंडा रखेंगे। सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम, होपफुली अब वीडियोस काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स ने बना के रखे हुए हैं, होपफुली इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, एंड या जो फॉर्मेलिटी होती है वो करते रहो ज़रा, लाइक सब्सक्राइब शेयर लाइक फॉलो शोलो, ठीक है। सी यू गाइस द नेक्स्ट टाइम, टिल देन फी अमान अल्लाह।